सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास लास्ट अपन ने देखा था वी सॉ एन इक्वेशन वेर इज वी सॉ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर बराबर है ध्यान uh, में रखना इक्विलिब्रियम अगर एक ही टेम्परेचर पर अपन कोई भी रिएक्शन करते हैं राइट right? तो ऑब्वियसली इट विल हैव सटन रेट एंड उसका कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा तो ये जो इक्वेसन रहेगा जो भी इक्वेशन है और हम टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहे तो उस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के वैल्यू वेदर इट इज़ के पी और के सी ये कांस्टेंट होता है ओके व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर ओनली देन एंड देन दिस वैल्यू ऑफ के एक्चुअली चेंजेस समझ में आया दैट इज ओनली थिंग और हमने देखा कि एक्जो के लिए क्या होता है एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है राइट फॉर एक्जो द वैल्यू ऑफ के एक्चुअली डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर ठीक है एक्जो रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ़ के क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और अगर एंडोथर्मिक है और उसके लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ के एक्चुअली इंक्रीजेस ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम इसको अपन बोलते हैं लीशटलियस प्रिंसिपल ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है वाई इक्विलिब्रियम वुड एक्चुअली चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इसके एक दो एग्जाम्पल मैं दे दूंगा तुमको बट देर आर वेरियस अप्लीकेशन ऑफ लिशलिस प्रिंसिपल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ओके सो लेट्स ए देर इज ए रिएक्शन देर इज एक्विलीब्रियम सो वी वीड डू एनी रिएक्शन जिस टेक एच टू प्लस एंड टू गिवज यू टू एंड एच थ्री ठीक है ना सो ये इक्विलीब्रियम है राइट

ठीक है एक कंटेनर है इसमें ये रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर के अंदर एंड वी चेंज पैरामीटर्स ऑफ दिस कंटेनर और ये रिएक्शन का जो एनवायरमेंट है उसको अपन चेंज करते हैं मे बी वी चेंज द टेम्परेचर मे बी वी चेंज द वॉल्यूम मे बी वी चेंज द प्रेशर मे बी इसमें कुछ हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं मे बी नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं मे बी अमोनिया ऐड कर रहे हैं राइट मे बी हीट निकाल रहे हैं इसमें से ओके okay? या फिर हीट uh, कर रहे इसको सो दैट्स वि चेंज द टेम्परेचर मीन्स यू कैन एदर एट द हीट और रिमूव द हीट वन एन दूनो फ्यू थिंग्स बट वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर प्रेशर वी कैन ऑल्सो चेंज वॉल्यूम वी कैन एड सम थिंग्स टू इट वी कैन एड सम इनर्ट गैस टू इट सो वॉट विल हैपन टू दिस इक्वेलीब्रियम ओके ये जो इक्वेलिब्रियम है ये किस तरफ शिफ्ट होगा क्या मेरे को ज़्यादा अमोनिया मिलेगा या फिर मेरे को कम अमोनिया मिलेगा क्या इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा जिससे मेरे को ज़्यादा अमोनिया मिलेगा क्या इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगा जिससे मेरे को कम अमोनिया मिलेगा ठीक है इसका स्टडी अपने को देता है ली शटली प्रिंसिपल ओके सो लेट्स से देर इज दिस रिएक्शन दैट इज एन इक्वलीब्रियम राइट सो ध्यान में रखो इफ एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपसेट्स द इक्विलिब्रियम मैं किसी तरह से इस इक्विलिब्रियम को चेंज करता हूँ बेसिकली बाय एडिंग समथिंग और रिमूविंग समथिंग फ्राम इट ओके आई कैन एड और रिमूव एनी ऑफ द थिंग्स दैट इज इन द स इक्वेशन ठीक है ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया ये इनमें से कोई भी एक या दो या तीन चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ या इनमें से रिमूव भी कर सकता हूँ ओके सो इफ आई अपसेट्स द इक्विलिब्रियम द सिस्टम अंडर गोस चेंज इन द डायरेक्शन दैट काउंटर एक्ट्स क्या करता है काउंटर एक्ट दैट डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस एंड रिटर्न द सिस्टम टू इट्स इक्विलिब्रियम मतलब कि इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं कोई चीज ऐड करता हूं रिमूव करता हूं ठीक है जैसे अगर इफ आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया डिक्रीजिंग द प्रेशर ठीक है अब ये इन्फ्लुएंस हो गया दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम इस तरह से रिएक्ट करेगा कि इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट ठीक है ओरिजिनल इक्वेबरिय स्टेट की जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ के इट विल ऑलवेज ट्राई टू कम बैक टू दैट के वैल्यू ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर तो पर मान लो कि यू आर गोइंग इन अ एयर कंडीशनड कार ठीक है ना कार से जा रहे हो और एयर कंडीशन चालू है और तुम्हारा जो टेम्परेचर uh, है कार का लेट्स इमेजिन कि 20 डिग्री सेल्सियस तुमने सेट किया है एसी का टेम्परेचर ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस तुमने सेट कर दिया अब तुम जा रहे हो एंड देन ईज एट सम पॉइंट यू हैड टू स्टॉप ठीक है और स्टॉप करके तुमने या तो विंडो रोल डाउन किया या दरवाजा खोला ठीक है और बहुत हॉट है बाहर बेसिकली इट्स वेरी हॉट इट्स लाइक 50 डिग्री सेल्सियस इन नागपुर यू नो वन ऑफ़ द हॉटेस्ट समर इस तरह का इमेजिन uh, करो और तुमने कोई खिल uh, जो विंडो है उसको रोल डाउन किया या यू नो डोर ओपन किया किसी तरह से अब जब तुम फिर से वापस में कार में बैठोगे तो क्या होगा वाट वुड यू फील वी ऑल नोटिस दिस राइट सभी ने ये नोटिस किया है कि सडनली एयर कंडीशन फिर से अप हो जाता है इजेंट इट इट स्टार्ट्स टू ब्लो अप इवन एट हायर स्पीड ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग हीयर जब तुम पहले जा रहे थे एंड वेन द टेम्परेचर वॉज ट्वेंटी डिग्री सेट सो देर वॉज दिस इक्विली ठीक है आजकल क्लाइमेट कंट्रोल के एसीज आते हैं सो दे मेंटेन द टेम्परेचर जो क्लाइमेट है तुम्हारे कार का उसको मेनटेन रखते पहले ऐसा नहीं था पहले क्या था एसी चालू करो वो उसी स्पीड से उसी टेम्परेचर की हवा फेंकते रहेगा ठीक है तो इट विल नॉट मेंटेन द टेम्परेचर तो फिर क्या हो जाता था कि बहुत ज़्यादा कूल हो जाता तो हम लोग उसका ब्लोअर का जो स्पीड है या फ़ैन का जो स्पीड है वो कम कर देते थे ठीक है आजकल क्या होता है तुम सेट कर दो टेम्परेचर एंड इट विल बेसिकली ट्राई टू मेंटेन दैट टेम्परेचर तो उस तरह की ए की बात कर रहा हूँ इट विल ट्राई टू मेंटेन दैट टेम्परेचर ठीक है अब जब तुम uh, ने विंडो रोल डाउन किया या डोर ओपन किया अब ये जो इक्विलिब्रियम था 20 डिग्री सेल्सियस वाला वो डिस्टर्ब हो गया इज इट दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बिन डिस्टर्ब एंड नाउ वेन ही केम बैक टू द कार अगेन राइट वेन यू क्लोज द डोर और रोल्ड अप द विंडो ये जब किया अब जो एयर कंडीशन था तुम्हारे कार का जो एनवायरमेंट था दैट इज़ हायर देन 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया 25 हो गया अब एसी क्या करेगा उसको फिर से 20 डिग्री सेल्सियस पे लाने की कोशिश करेगा इसके लिए ए सी का फैन का स्पीड बढ़ जाएगा उसके ब्लोअर का स्पीड बढ़ जाएगा इज एट इट दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग एन इक्विलिब्रियम डिस्टर्बिंग दैट इक्विलिब्रियम एंड देन सिस्टम ट्राइंग टू रीच दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगेन समझ में आया ना ओके okay. ये समझ में आया क्या दिस इज बेसिकली वॉट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल ट्राई टू डू इट विल ऑलवेज ट्राई टू रीच दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लियर है क्या कौन सी कौन सी चीज़ें अपन चेंज कर सकते हैं टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ओके मतलब कौन से कौन से इफेक्ट्स अपन स्टडी कर सकते हैं सो वी कैन स्टडी चेंजिंग द प्रेशर और चेंजिंग द टेम्परेचर और चेंजिंग द वॉल्यूम ठीक है वी कैन ऑल्सो सी इफ वी कैन ऐड और रिमूव द रिएक्टेंट ऐड और रिमूव द प्रोडक्ट मतलब ये जो रिएक्टेंट है या तो इसमें और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में ऐड करूँगा या फिर इनको रिमूव भी करूँगा ठीक है आई कैन आइदर ऐड और रिमूव

ठीक है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करता हो तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहा हो तो प्रेशर चेंज होगा इज इट सो व्हाट हैपन्स टू द इक्विलिब्रियम व्हेन यू डू दैट ये भी अपन स्टडी करने सो दीज आर द थिंग्स दैट वो गैन स्टडी विच आर गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंसेज दीज आर गोइंग टू बी द दैट आर गोइंग टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम एंड वन सी हाउ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन और द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्ट्स ओके ओके नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली अप्लीकेशन ऑफ लीश एड प्रिंसिपल तो ये जो पैरामीटर्स थे वही अपन स्टडी कर रहे तो पहला जो अपन देख रहे हैं बेसिकली एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टन दिस इज एक्चुअली दन वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर रिएक्शन है देर इज़ एक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड इफ आई एड वन ऑफ द रिएक्टेंट या वन ऑफ द प्रोडक्ट इस तरह से एड अगर करता हूँ मैं रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे सो वॉट हैपन्स टू दैट इक्वलीब्रियम रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा टू मैंटेन दैट इक्विलिब्रियम ठीक है तो ऑब्वियसली जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं एक चीज कर रहा हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहा हूँ बराबर है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो वैल्यू है अपना के का दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट मतलब दिस शुड रिमेन कांस्टेंट दैट इज द प्रिंसिपल समझ में आ गया वेदर आई एम एडिंग अ रिएक्टेंट रिएक्टेड प्रोडक्ट ठीक है द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन कॉन्स्टेंट ये चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखो इक्वेशन के तौर तो पे भी इसको अपन समझेंगे और याद रखने के लिए एक मैं तुमको सिंपल सी ट्रिक भी बता दूंगा ओके सो लेट्स टेक अ रिएक्शन जैसे टू एच आई प्लस एच टू टू एच आई गिवज यू एच टू प्लस आई टू ये रिएक्शन है ठीक है एंड सपोज वी एड मोर हाइड्रोजन गैस टू इट अगर मैंने हाइड्रोजन गैस एड कर दिया ये ठीक है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया मैंने बढ़ा दिया अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ ठीक है तो रिएक्शन क्या करेगा देखो दिस इज द स्ट्रेस दिस इज द इन्फ्लुएंस समझ में आया ना मैंने क्या किया हाइड्रोजन गैस ऐड किया अब जैसे फॉर एग्जांपल एसी वाला एग्जांपल ले लो हुआ क्या जब मैंने दरवाजा या विंडो खोला तो हीट अंदर आई इट मतलब या फिर ये ठंडी बाहर गई ऐसा भी बोलते हैं एक्चुअली विच इज इनकरेक्ट तो अपन क्या बोलेंगे हीट अंदर आई मतलब जो कार थी वो ज्यादा गर्म हो गई अब एसी क्या करेगा गर्म कार को ठंडा करने की कोशिश करेगा इज इट सो यहाँ पे जैसे मैंने ये ऐड किया रिएक्शन क्या करेगा किस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये जो एडेड हाइड्रोजन है वो डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में जाएगा समझ में आया ना अब हाइड्रोजन किस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है इज इट इफ द रिएक्शन गोज बैकवर्ड तो एच आई बन रहा है और एच आई बनने के लिए हाइड्रोजन का कंज्यूम होना जरूरी है इज इंट इट सो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो रिएक्शन क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से देर आर टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन एच आई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आयोडिन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा समझ में आए दिस इज अवर न्यू इक्विलीब्रियम दिस इज अवर न्यू इक्वलिब्रियम नाउ ये इस तरह से मैंटेन होगा जो वैल्यू है के का दैट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल के वैल्यू ठीक है जैसे ही मैंने हाइड्रोजन ऐड किया के का वैल्यू डिस्टर्ब हो गया अभी ओके okay? समझ में आया ना यहाँ पे के का वैल्यू डिस्टर्ब हो गया ना रिएक्शन अगर मैं uh, होने देता हूँ उसी तरह से जस्ट आई हाइड्रोजन ऐड किया एंड वी डेंट चेंज एनीथिंग एल्स तो होगा क्या कि रिएक्शन विल रिएक्ट इन सच अ वे दैट इट विल बेसिकली गो बैकवर्ड्स ओके हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी जो बना था वो डिक्रीज़ हो जाएगा ओके एच आई का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा आइडीन का कॉन्सनट्रेशन वो भी डिक्रीज हो जाएगा ओके okay? हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिलेटिवली ड्रीज होगा मतलब जो ऐड करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन था उससे वो लो हो जाएगा बट uh, ओवरऑल इस तरह से सिस्टम रीएडजस्ट करेगा अपने आप को कि जो ओरिजिनल के वैल्यू था वो वापस आ जाएगा ओके okay? इसको अपन इक्वेशन के तौर तो पे भी समझेंगे बेसिकली ओके सो वी फॉलो द लीश प्रिंसिपल राइट देर इज ए टेंडेंसी टूवर्ड्स न्यू इक्वलिब्रियम नाउ अभी जैसे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया अभी नया इक्वलिब्रियम आएगा और राइट और ये कैसा रहेगा द टेंडेंसी विल बी इन द डायरेक्शन इन विच द डिस्टर्बेंस इज पार्शियली रिवर्स्ड समझ में आए ना पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा पार्शियली रिवर्स होगा जैसे इसीलिए मैंने बोला रिलेटिवली लो होगा ठीक है ना जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी रिलेटिवली लोअर देन वेन वी एडेड हाइड्रोजन ठीक है तो इस तरह से डिस्टर्बेंस रीएडजस्ट होगा द डिस्टर्बेंस वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके इट विल रिड्यूस इट विल ट्राई टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन दैट वी एडेड इसके वजह से क्या होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उस केस में समझ में आया ना अब इसी रिएक्शन को अपन थोड़ा उल्टा देखते हैं जैसे मैंने ये ले लिया है उसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है एच टू प्लस आई टू और तुमको मैंने पहले ही बोला था कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं ये आर्बिट्ररी होते हैं बेसिकली वी कैन राइट द रिएक्शन आइदर वे अब तुमको क्वेश्चन में किस तरह से दिया उस तरह से तुमको रीड करना है ओके बिकॉज दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दैट्स वाई दे कैन बी रिटर्न इन एनी वे एनी डायरेक्शन अब इस केस में अगर मैं हाइड्रोजन में कॉन्सनट्रेशन ऐड करता हूँ ठीक है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया अब रिएक्शन अगेन विल गो इन द डायरेक्शन इन विच द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन शुड डिक्रीज तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन इस डायरेक्शन में एंड आई विल गेट मोर एच आई यही अपने को पहले वाले केस में भी मिल रहा था हाइड्रोजन ऐड किया तो ज़्यादा एच हाँ आई मिल रहा था यहाँ पे भी वही हो रहा है हाइड्रोजन ऐड किया तो ज्यादा एच हाँ आई मिल रहा है ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल सो लेट्स से वी हैव एच टू प्लस एन टू गिव्स यू एन एच थ्री ठीक है बैलेंस कर लो रिएक्शन को अब मान लो कि इस रिएक्शन में आई वॉन्ट टू आई आई एडेड ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है एंड इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया ठीक है तो अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इस हाइड्रोजन का कॉन्सनट्रेशन कम होगा डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है इस डायरेक्शन में समझ में आया ना देखो एरो जब ड्रॉ कर रहे हैं अपन तो इसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं हेड टू हेड है ना सॉरी हेड टू टेल इस एरो का हेड और इस एरो का टेल ये दोनों अपन मैच करवाए ओके सो डायरेक्शन वी कैन सी इट सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा वी गेट मोर अमोनिया ठीक है ज़्यादा अमोनिया मिलेगा अमोनिया का कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज होगा और नाइट्रोजन का कॉन्सनट्रेशन डिक्रीज़ होगा बिकॉज रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ammonia का concentration increase होगा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ज़्यादा अमोनिया अपन बना पाएंगे अगर मैंने उल्टा किया ठीक है यहां पे मान लो मैंने अमोनिया ऐड कर दिया इस इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में मैंने अमोनिया ऐड कर दिया ना इफ एडेड अमोनिया तो रिएक्शन किधर जाएगा जिधर अमोनिया कम हो रहा है किधर अमोनिया कम हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में ओके अगेन यू कैन सी हेड एंड टेल मैच करवा रहे अपन ओके अमोनिया लेफ्ट हैंड साइड में कम हो रहा है इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अपने को ज्यादा मिलेगा बढ़ेगा ओके एंड इट विल ट्राई टू सेट अ न्यू इक्विलिब्रियम ओके इन आइदर केस जो वैल्यू ऑफ के है दैट विल नॉट चेंज वंस द इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड डजेंट मैटर जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अपने जो कार का ए सी वाला एग्जाम्पल था राइट वी डिस्टर्ब दी डिस्टर्ब द इक्विलीब्रियम राइट बाय ओपनिंग द डोर एंड देन वी वेन वी क्लोज द डोर अब फिर से ए सी रेवअप हो गया और थोड़ी देर बाद क्या हो गया फिर से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करेगा ना सो so नाव जो न्यू इक्विलिब्रियम है ओके okay, उसमें भी अपने को पैरामीटर सेम दिख रहे हैं कौन सा तो यहाँ पे तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपने को ए सी के केस में लेकिन रिएक्शन के केस में कॉन्स्टेंट क्या रहेगा के इट विल ऑलवेज बी दैट कॉन्स्टेंट ओके ग्राफिकली इस तरह से दिखा सकते हैं अपन कि अपना रिएक्शन ये था ओके okay. और इसमें मैंने क्या कर दिया है तो इक्विलिब्रियम पे आ गया तो देखो ये इक्विलिब्रियम वाला है दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन कि दोनों तीनों जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है ओवर टाइम सो दिस इज टाइम एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इन दैट डायरेक्शन सो एज द टाइम पासिस कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है वी गेट सेम कॉन्सेंट्रेशन ओके नाउ वॉट वी डू इज एज दिस इक्विलीब्रियम दिज आर द इक्विलीब्रियम पॉइंट्स ठीक है वॉट वी डू इज वी एड वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब मैंने हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया ठीक है तो देखो क्या हो रहा है हाइड्रोजन जैसे ही ऐड किया वैसे ही ये शूटअप हो गया सो दैट इज द इक्विलीब्रियम का ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और दिस इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इतना हाइड्रोजन हमने उसमें ऐड कर दिया इक्वलीब्रियम में ठीक है अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजेंट इट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है कैन सी दैट ओके जो आइडीन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सो दिस इज द आइडीन कॉन्सेंट्रेशन लेकिन एच आई का कॉन्सेंट्रेशन तो ये दो डिक्रीज होगा एच आई का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा इजेंट इट सो ये एच आई का कॉन्सेंट्रेशन और फिर क्या होगा एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है आफ्टर सम टाइम ओके और ये दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम नाउ ओके दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम नाउ ठीक है अब के का वैल्यू अगर निकालता हूं मैं इस इक्विलिब्रियम में राइट right? और के का वैल्यू मैं निकालता हूं इस इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों में क्या रहेगा लेट्स कॉल दिस के वन एंड लेट्स कॉल दिस के टू तो मेरे को क्या दिखेगा के वन इज इक्वल टू के टू हमेशा ओके okay? वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्यों चेंज नहीं आएगा क्योंकि के इज बेसिकली इज अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट इज इट सो वट इज के के इज बेसिकली रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कॉन्सेंट्रेशन भले ही चेंज हो गया देखो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है अपने को नए इक्विलिब्रियम में है ना एच आई का कॉन्सेंट्रेशन ये भी ज्यादा दिख रहा है अपने को नए इक्विलिब्रियम में आइडीन का कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो गया है नए इक्विलिब्रियम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस इक्विलिब्रियम इज इट अब इफ यू लुक एट दिस द कॉन्सेंट्रेशन हैज चेंज फॉर ऑल द थ्री स्पेसिस लेकिन रेशो का वैल्यू अगर निकालते हैं ओके okay, तो वो दोनों केसेस में सेम मिलेगा मेरे को K1 और K2 के केस में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ K1 वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ K2 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ भले ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लेकिन जो इक्वलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है ओके इज दिस क्लियर सिमिलर चीज़ तुमको दिख सकती है कि अगर मैं आईडी ऐड करता हूँ सिमिलर चीज़ होगा सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आईडीन का ग्राफ ऐसा बड़ा दिखेगा एंड देन दिस विल ट्राई टू गो डाउन या फिर आ, मैं एच हाँ आई करता हूँ या एच हाँ रिमूव करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ मिलेगा बट इन एनी ऑफ दिस केसेस के का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला के का वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहना है रहना ओके सो मैथमेटिकली अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो क्या कर रहे हैं अपन वी आर एडिंग हाइड्रोजन दिस इज द रिएक्शन ये सारे गैशियस है बेसिकली एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम रहेगा दिस इज एच वन एच आई वन दिस इज एच टू वन एंड दिस इज आई टू वन ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गए फर्स्ट इक्विलिब्रियम और कैसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड इक्विलिब्रियम न्यू इक्वलीब्रियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेगा स्टेशन रहेगा एच आई टू एच टू टू एंड आई टू टू ओके और इसका जो के है वो अपन इस तरह से लिखेंगे के सी इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी एच टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स आई टू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच आई कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर ठीक है तो ये के का वैल्यू मैंने लिख दिया है या दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ठीक है अब मैंने क्या कर दिया मैंने कॉन्सनट्रेशन चेंज कर दिया का हाइड्रोजन का मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो था वो चेंज हो गया ओके सो इनिशियली तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट वन 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 राइट तीनों वन वन ही रहेंगे ओके okay, ये वाले कॉन्सेंट्रेशन अपन यूज कर रहे हैं बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी चेंज दिस इज गोइंग टू बी टू राइट सो so, यहाँ पे देखो अब अपन वी कैन नॉट से के सी क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी चेंज हो गया है। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है इसको अभी अपने को बोलना पड़ेगा क्यू सी सो दिस इज क्यू सी ओके क्यू बोलो या क्यू सी बोलो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग हाइड्रोजन का कॉन्सन्ट्रेशन चेंज हो गया है सो य आई टू वन जैसे कि ही रहेगा एच आई वन जैसे कि वैसे ही रहेगा जैसे ही मैंने ऐड किया यह अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन ऐड किया है मैंने हाइड्रोजन का जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ नॉट बेस्ट हो अब यहाँ पे अगर मैं मेजर करता हूँ ओके वैल्यू तो मेरे को क्या दिखेगा कि हाइड्रोजन का वैल्यू जो है ज़्यादा हो गया ना न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ गया तो क्यू का वैल्यू के से कम रहेगा ठीक है ना सो दिस इज़ अवर इक्विलिब्रियम के सी के राइट एंड दिस इज अवर क्यू तो क्यू का वैल्यू के से ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ गया है हाइड्रोजन मैंने ऐड किया अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो क्यू इज़ मोर देन के सी और अगर ये सिचुएशन होता है व्हेन क्यूसी इज़ मोर देन के सी तो रिएक्शन किधर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जाएगा एंड सिमिलरली यू कैन स्टडी अबाउट एनी ऑफ द अदर इफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि uh, मैं हाइड्रोजन का कॉन्सनट्रेशन क्या करता हूँ कम करता हूँ हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया सो ये कॉन्सेंट्रेशन मेरा क्या हो गया लो हो गया हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया इसमें से हाइड्रोजन का कॉन्सनट्रेशन डिक्रीज हो गया तो न्यूमरेटर क्या हो गया कम हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यू सी इज लेस देन के सी अगर क्यू सी लेस देन के सी है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओके okay? सो so, जब मैं रिएक्टेंट सॉरी uh, जब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ रिमूव करता हूँ प्रोडक्ट तो रिएक्शन गोज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है प्रोडक्ट ऐड करता हूँ रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है अब ऐसे ही मान लो कि मैंने एच आई एड किया है ठीक है एच आई का कॉन्सनट्रेशन बढ़ा दिया मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो था अपना वो इंक्रीज कर दिया एच आई का कॉन्सेंट्रेशन मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया इज इट अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हो मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया उस केस में क्या होगा क्यू सी लेस हो जाएगा देन के सी क्यू सी लेस देन के सी मतलब रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके सिमिलरली आई कैन से रिमूव द प्रोडक्ट ओके तो प्रोडक्ट को रिमूव करते अपन प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया मतलब एच आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया कम हो गया डिनोमिनेटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ओके okay? डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो गया तो क्यू सी बढ़ जाएगा देन के सी अगर क्यू सी बढ़ रहा है तो अगेन रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस रिमेम्बर हेड टू टेल या टेल टू हेड अपने को ज्वाइन करने आया रोज इन दिस पर्टिकुलर सिनारी ओकेड टू टेल हेड टू हेड या टेल टू टेल कभी भी ज्वाइन मत करो हेड टू टेल या टेल टू हेड ज्वाइन करो तुम्हारा आंसर सही आएगा ठीक है टू समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग अगर मैं रिएक्टेंट ऐड करता हूँ ठीक है रिएक्टेंट ऐड करता हूँ मतलब रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया ओके जस्ट एक अ जनरल इक्वेशन या रादर देन सो ए प्लस बी गिवज यू सी प्लस डी ठीक है so, यहाँ पे ए बी ऐसा कोई फिशेंट भी अपन ले सकते हैं हैंट इट्स अ जनरल रिएक्शन अगर मैं किसी भी दो में से किसी भी रिएक्टन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ ठीक है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओके अगर मैं दो में से किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओके okay? अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओके okay? एंड अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा दिस इज बेसिकली रीएडजस्टिंग द इक्विलिब्रियम इन ऑल ऑफ बेसिकली ट्राइंग टू नलीफाई जो एडिशन स्ट्रेस uh, है या जो इफेक्ट है इसको अपन स्ट्रेस बोल सकते हैं जो स्ट्रेस अपन ने ऐड किया है वो स्ट्रेस कम करने की कोशिश हो जा रही है जैसे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन मैंने इंक्रीज किया तब रिएक्शन उधर जाएगा जर उधर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा सो इट विल जस्ट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और राइट सो अपन इसको रिस्टेट uh, कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल रिशलीस प्रिंसिपल को एल बोले तो रिशटलीस प्रिंसिपल इसको रिस्ट्रेट कर रहे हैं अपन एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन दैट विल पार्शियली कंज्यूम अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज एडेड समझ में आया पार्शियली कंज्यूम द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज एडेड उस डायरेक्शन उस में जाएगा जिधर ये कंज्यूम हो रहा है अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो अगर मैं कुछ रिमूव कर रहा हूँ ओके okay? और प्रोड्यूस अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज टेकन अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ठीक है अगर कुछ निकाल रहे हैं अपन रिमूव कर रहे हैं तो उधर जाएगा ये उधर बन रहे है, उस डायरेक्शन में ये जाएगा ठीक है अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो रिएक्शन उनको कम करने की कोशिश कर रहा है और अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ लिक्विलिवरियम में से कुछ तो रिएक्शन उनको बनाने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज बेसिकली एट लीस्ट प्रिंसिपल और उसका इफेक्ट जब अपन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं दैट इज चेंजिंग द वॉल्यूम आइसोथर्मली इन अ कैशस रिएक्शन ठीक है अब वॉल्यूम और प्रेशर ये दो चीज़ें जो है वो गैसेस के लिए ही रिक्वायर्ड है इज इट इड बेसिकली लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए अपन यूज़ ही नहीं करते और दिस थिंग सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द वॉल्यूम आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्यों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया तो जो वैल्यू का जो के का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है इज इट सो वी डोंट वॉन्ट दैट एंड दैट्स द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज केप्ट कॉन्स्टेंट ओके क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो के का वैल्यू चेंज होता ही है ध्यान में रखना और राइट तो यहाँ पे दो केस करते हैं अपन स्टडी और राइट वेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ज़ीरो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ओके वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं अपन ऐसे केस में जब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रिमेन सेम राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन देख लो या एच टू और आई टू वाला तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दो गैशेस मोल्स है और राइट right हैंड में भी दो गैश मोल्स हैं अगर इस तरह का रिएक्शन है और यहाँ पे अभी, अभी अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूँगा तो क्या रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा ठीक है सबसे पहले तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अपन और एच टू प्लस आई टू राइट ये रिएक्शन ले रहे हैं अपन क्या करते है? इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ओके वो जस्ट एक इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन तो यहाँ पे के सी अपन निकालते इनिशियल बोले तो इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन इनिशियल इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ठीक है सो उसका कॉन्सन्ट्रेशन उस मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा के सी ठीक है सो लेट्स कॉल दिस एज इनिशियल इनिशियल के सी इनिशियल के सी मतलब पहला फर्स्ट इक्वलीब्रियम कॉन्सेंट ओके बिकॉज दिस दिस रेफर्स टू फर्स्ट इक्वेलिब्रियम और राइट और इसका कोई वॉल्यूम है लेट्स कॉल इट एज वी वी वन अब मैं क्या करता हूँ इसका वॉल्यूम जो है वो डबल कर देता हूँ ओके okay? सो so v2 टू इज इक्वल टू ट्वाइस वी हो जाएगा इज इट वॉल्यूम अगर मैंने डबल कर लिया सो वॉट हैपन्स टू द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन सबका हाफ हो जाएगा इज एंटेड इट तो पहला अगर कॉन्सेंट्रेशन c1 है तो ये सेकंड कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा c1 वन बाई टू वॉल्यूम अगर मैंने डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी हाफ ओके अब मेरा ये ये केस में वी गॉट अ सेकंड इक्विलिब्रियम नाउ ठीक है ऑब्वियसली विल हैव टू लेट द रिएक्शन गो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मैंने वॉल्यूम चेंज किया वॉल्यूम चेंज किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हाफ हो गया राइट और मैं इसको फिर अभी इक्वलीबरियम आने देता हूँ आफ्टर सम टाइम द न्यू इक्विलिब्रियम विल कम जिसको मैं फाइनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे ओके सो दैट इज गोइंग टू बी के सी प्राइम ओके दैट इज योर फाइनल इक्विलिब्रियम के सी प्राइम के सो दिस इज एक्चुअली नॉट इक्विलिब्रियम वी जस्ट चेंज द सो अब क्या करते हैं अपन Uh, जो कॉन्सन्ट्रेशं चेंज किए अपन ने अरे मतलब क्या हो गया वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया वॉल्यूम डबल करने से कॉन्सन्ट्रेशंस क्या हो गए हाफ हो गए और right. तो अभी जो जैसी इन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम तो इसलिए अपन इसको क्यूसी बोल रहे हैं ठीक है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी मान लो आने का है ठीक है तो कॉन्सेंट्रेशन काय के काय के हाफ हो गए सभी के हाफ हो गए एवरी थिंग हैज़ बीन हाफड इजेंट इट सभी के हाफ हो गए कॉन्सेंट्रेशन और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ठीक है तो मेरे को क्या दिखेगा मेरे को क्या दिख रहा है जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैंसल हो रहा है इट डिनोमिनेटर में फोर है और न्यूमोनेटर में भी फोर है सो so इसेंशियली जो क्यू सी है दैट इज इक्वल टू के सी मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ था क्या नहीं हुआ था ठीक है जैसे ही मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया डबल किया बिकॉज देर इज नो देर इज नो चेंज इन मोल्स ऑफ गैस सो देर इज़ नो चेंज इन इक्वलीब्रियम ऑल्सो इक्वलीब्रियम रिमेन्स सेम यहाँ पे मतलब क्यूसी जो था जिसको अपन बोल रहे थे कि इक्वलीब्रियम हैंड इट्स एक्चुअली एट इक्वलीब्रियम ठीक समझ में आया गया और एट द होल सिस्टम इज एट इक्विलीब्रियम ड्यूरिंग द एक्सपांशन और यू कैन से अगर कंप्रेशन कर रहे हो तो उसमें भी ड्यूरिंग द होल कम्प्रेशन द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम दर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम फॉर दिस कैना गैसेस ओके दिस का ना रिएक्शन जहाँ पे गैसेस मूल्स चेंज नहीं हो रहे तो वॉल्यूम चेंज करने का यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके इक्विलिब्रियम डजेंट चेंज अंडरस्टूड है क्या फॉर वेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो और चेंजिंग वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इट डजेंट चेंज द इक्विलिब्रियम देर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है क्या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा है सेकेंड केस सेकंड केस में डेल्टा एन जी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब मोल्स ऑफ गैसेस दे आर नॉट सेम ठीक है मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट और राइट साइड में नॉट सेम जैसे यहाँ पे एन टू ओ फाइव नाइट्रोजन पेंटाक्साइड जो है ड नाइट्रोजन पेंटाक्साइड या फिर इसको सिर्फ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी बोलते हैं या एन टू ओ फाइव जो है uh, वो दैट गिव्स यू एन ओ टू प्लस ओ टू ठीक है टोटल मोल्स अगर देखते तो लेफ्ट हैंड में जे जस्ट वन गैस मोल्स और राइट right हैंड में टू पॉइंट फाइव गैस मोल्स ठीक है ना सो so यहाँ पे अगर डेल्टा एन जी निकालता हो मैं डेल्टा एन जी क्या हो रहा है यहाँ पे 2.5 पॉइंट फाइव माइनस वन तो ये आता है 1.5 पॉइंट फाइव डेल्टा एन जी इज़ वन पॉइंट फाइव फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ठीक है इसका मैं के सी का इक्वेशन लिखता हूँ बेसिकली इनिशियल इक्विलिब्रियम ठीक है इनिशियल इक्विलिब्रियम लिख दिया एनओ टू सो जो एनओ टू है उसका स्क्वायर ले लिया अपन ने है नो टू है उसका वन बाय टू कर दिया पावर में और एंड टू ओ फाइव का वन ही रहेगा ठीक है दैट इज़ इनिशियल इक्विलिब्रियम कॉन्स्ट अब मैंने क्या कर दिया वॉल्यूम डबल कर दिया ओके okay? वॉल्यूम अगर डबल कर दिया तो सारे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे इसको बोलेंगे अपन क्यू सी ठीक है अब सारे कॉन्सनट्रेशन मैंने हाफ कर दिए यू कैन सी राइट और अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है तो क्यू सी एंड के सी आर बेसिकली नॉट इक्वल इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू क्यू सी एंड के सी इज नॉट इक्वल मतलब इक्विलिब्रियम uh, जो है अपना वो डिस्टर्ब हो गया एंड क्यू सी इज नाउ इक्वल टू वन बाय टू रूट टू के सी इस पर्टिकुलर केस में ये अपने को आंसर मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन वी गेट अ डिफरेंट आंसर फॉर क्यू सी ठीक है अब क्यू सी का वैल्यू क्या है क्यू सी का वैल्यू इज इक्वल टू वन बाय टू रूट टू के सी इज इट वन बाय टू रूट टू मतलब बड़ा कौन हो गया के सी KC is larger than QC, isn't it? Okay, अगर KC is larger than QC, तो यहाँ पे equilibrium जो आएगा, मतलब equilibrium आने के लिए reaction कौन से direction में जाएगा? Equilibrium आया नहीं है, ध्यान में रखना, second equilibrium is not there yet. Okay, we're just talking about just added, just added the, uh, yeah, just double the volume. ठीक है, ना volume just double किया, तो उस case में आपने को दिख रहा ही है, जैसे ही मैंने volume double किया, मेरे को क्या दिखता है? QC

तुमको क्या करना है वॉल्यूम डबल किया है बेसिकली जितना भी वॉल्यूम कर रहे हो तुम नया वॉल्यूम उससे तुमको इसको डिवाइड करना है ठीक है सो दैट इज बेसिकली द न्यू कॉन्सेंट्रेशन और तुम के सी करोगे ठीक है के तुम निकालोगे अब के सी निकाले के सी इज़ लार्जर देन क्यू तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कब तक जाएगा जब तक के सी एंड क्यू सी बिकम इक्वल ठीक है तब तक जाएगा तब जब जैसे ही ये हो जाएगा दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी इक्विलिब्रियम रुक जाएगा इक्विलिब्रियम आ चुका है अभी ठीक है तो द वैल्यू ऑफ क्यूसी विल कीप ऑन चेंजिंग जब तक इट डजेंट इक्वल टू के सी लेकिन अगर याद रखना है सिंपल सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए इसको ठीक है सो so, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में देर इज वन मोल ऑफ गैस एंड ऑन द राइट हैंड साइड देर आर टू पॉइंट फाइव मोल ऑफ गैस इज इट मतलब वेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मोल्स ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज हो रहे, है इज एंटेड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मोल्स ऑफ गैसेस आर इंक्रीज राइट वैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज जब करते हैं अपन तो प्रेशर क्या हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इज एंटेड जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो अब सिस्टम किधर जाएगा जैसे ही मैंने ये है मतलब ये क्यूसी की जब बात कर रहे हैं अपन जैसे ही मैंने वॉल्यूम डबल किया प्रेशर क्या हो जाएगा सडनली सडनली प्रेशर विल डिक्रीज अब बेसिकली सिस्टम क्या करेगा जो डिक्रीज प्रेशर था उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा ना समझ लो अच्छे से जो डिक्रीज प्रेशर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ये जो इफेक्ट हुआ था इसको काउंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू लिशिडलेस प्रिंसिपल बराबर है जो भी इन्फ्लुएंस अपन ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू ली लिशेडलिस प्रिंसिपल जो रिएक्शन है उसको काउंटर एक्ट करने की कोशिश करती है तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ हो गया अब सिस्टम क्या करेगा उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और इस रिएक्शन में प्रेशर किधर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग वेयर द मोर नंबर ऑफ गैश मोल्स आर बींग प्रोड्यूस्ड तो वेन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज द रीजन माई रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन ठीक है अब इन ब्लैंकेट स्टेटमेंट अपन ये भी बोल सकते हैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैन दिस इज दिचुएशन टू जीरो और उस केस में अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगा जिधर ज्यादा गैशियस मोल्स बंद रहे जिधर ज्यादा गैस मॉलिक्यूल बंद रहे या जिधर ज़्यादा क्राउडेड स्पेस है ऑब्वियसली तुम देखते हो राइट हैंड साइड में क्राउडेड है ज्यादा गैस है मतलब क्राउडेड है और लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा क्राउडेड नहीं है ऐसा अपन बोलेंगे सो so, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे अपन तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर क्राउडेड है क्लियर है क्या ये इज दिस क्लियर ओके कन्वर्सली वी कैन ऑल्सो से एग्जैक्टली अपोजिट थिंग कि मैंने वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा प्रेशर विल बेसिकली इंक्रीज इट। तो अब जो सिस्टम है अपना जो सिस्टम है वो इस प्रेशर को डिक्रीज करने का कोशिश करेगा ना इजेंटेड इट। तो डिक्रीज कहाँ हो रहा है प्रेशर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बैकवर्ड में इस रिएक्शन में इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन टू ओ फाइव तो प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब ये जो मोल्स है वो कंज्यूम होने चाहिए गैसेस के तो प्रेशर डिक्रीज होगा राइट सो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं अपन तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम हो रहा है एंड द रिएक्शन इज़ गोइंग टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो वॉल्यूम जब डिक्रीज कर रहे हैं अपन तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ओके okay? ये तुम इक्वेशन के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर जस्ट लॉजिकली इसको तुम समझ सकते हो सो इन दिस पर्टिकुलर केस वेन यू डिक्रीज द वॉल्यूम द रिएक्शन गोज इन द लेस क्राउडेड डायरेक्शन ओके जहाँ पे लेस गैस मॉलिक्यूल्स है उधर जाएगा वेन यू डिक्रीज द वॉल्यूम या फिर इंक्रीज द प्रेशर इन आइदर केस इट वर्कस द सेम ठीक है सो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो इट विल ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन वेयर देर आर लेस मोल्स ऑफ गैस ओके

अब प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा जिधर ज़्यादा गैस मोल्स है उधर ओके सो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन किधर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर सो so ये दोनों इफेक्ट है वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज़ और प्रेशर डिक्रीज़ ओके और प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर uh, मैं ये करता हूँ ठीक है अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करता हो वॉल्यूम डिक्रीज़ किया मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कि जिधर कम गैस मोल्स है उधर जाना पड़ेगा सो so, वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ करता हो या प्रेशर इंक्रीज़ करता हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ठीक है वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों रिलेटेड है इन्वर्सली रिलेटेड है और लेकिन इनका इफ़ेक्ट अपन सेम तरीके से बता भी सकते हैं ओके

डिक्रीज द वॉली डिक्रीज द वॉल्यूम मतलब इंक्रीज द प्रेशर ठीक है शिफ्ट्स द इक्वरियम टू लेस क्राउडेड साइड ठीक है कहाँ जा रहा है ये लेस क्राउडेड साइड इंक्रीज हो रहा है प्रेशर तो कम गैस है उधर जाएगा ठीक है और डिक्रीज हो रहा है प्रेशर तो जिधर गैस ज़्यादा है उधर जाएगा ओके okay? क्योंकि इधर प्रेशर बढ़ रहा है ओके डिक्रीज प्रेशर प्रेशर बढ़ाने का है तो ज्यादा क्राउडेड साइड में जाना पड़ेगा ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा ओके राइट सो इसको अभी अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है बट दिस इज द सेम इफेक्ट दैट वी स्टडीड विद वॉल्यूम इज जस्ट हैव टू यूज इंसटेड ऑफ वॉल्यूम यूज़ प्रेशर ओके सो चेंज इन प्रेशर इन गैशियस फेज इक्वेलेवियम इसमें भी दो केसेज बनेंगे वैन डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड केस रहेगा वैन डेल्टा एनजी इज

तो uh, जो प्रेशर है दैट हैज बिकेम ट्वाइस एंड देन यू कैन सी दैट ये क्या हो रहा है कैंसिल हो जाएगा एंड सो क्यू पी इज इक्वल टू के पी और मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ ही नहीं है देर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम सेकेंड केस ओके देर इज अ केस टू नाउ डेल्टा एनच इज नॉट इक्वल टू जीरो वी टू दिस हेबर प्रोसेस अमोनिया का डिकम्पोजिशन ले रहा है एन एच थ्री यूज एन टू प्लस थ्री एच टू ठीक है और इसका इक्विलिब्री हम अपन इस तरह से लिखेंगे ओके पी एन टू इनिशियल है ओके पी एच टू क्यूब टू पी एन एच थ्री स्क्वायर, ठीक है पार्शियल प्रेशर ले रहे सबका प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ओवर रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर अब मैंने क्या कर दिया प्रेशर को डबल कर दिया मान लो प्रेशर डबल कर दिया ठीक है वी नो वेयर द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इट अगर मैंने प्रेशर डबल किया है प्रेशर इंक्रीज किया है तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम हो रहा है ऑबियसली प्रेशर किधर कम हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ओके okay? अमोनिया के साइड पे प्रेशर कम हो रहा है तो उधर जाएगा सो so, अगर मैंने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा उससे कोई लेन नहीं है वैसे नाउ द फाइनल प्रेशर जो रहेगा फाइनल बोले तो जैसे ही मैंने प्रेशर डबल कर दिया तो ये हो जाएगा सबका डबल इट It two ka cube ho gaya and that is two a square ho gaya, Okay, so now if you do that, it, there is no cancellation, but uh, you can cancel some of these twos, yeah. And what you get is QP is equal to four times KP. Okay, QP is equal to four times KP. QP is actually, okay. QP is more than KP, isn't it? Four times KP hai na? yeah. So QP is actually much more than KP. तो अब रिएक्शन किधर जाएगा दैट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन वैन क्यू पी इज मोर देन के पी रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मैथमेटिकली अपन इसको ऐसा दिखा सकते हैं या फिर सिंपल तौर पर अगर देखना है कि अगर मैंने प्रेशर डबल कर दिया प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर कम गैशस मोल्स है ओके okay? इस रिएक्शन में ठीक है अगेन इफ यू लेट्स से डिक्रीज द प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं अपन प्रेशर को बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट हैंड या राइट right हैंड में सो so, जब प्रेशर अपन डिक्रीज़ कर रहे हैं ठीक है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है इट सो so, इसका इफ़ेक्ट क्या मिलेगा मेरे को इसका इफेक्ट क्या मिलेगा प्रेशर उधर जाएगा जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर किधर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज़ कब होगा जब मोर गैस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे इजेंट जब ज्यादा गैस मालिक्यूल बनेंगे तब यह प्रेशर इंक्रीज होगा और गैस मॉलिक्यूल ज्यादा किधर बन रहे हैं उधर ओके सो रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट साइड में क्लियर है क्या सो रिमेंबर दैट इट्स लेफ्ट और राइट ध्यान में मत रखो तुम कि लेफ्ट और राइट कैन चेंज ओके आई कैन राइट द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन रिवर्स में लिख सकता हूँ मैं सो लेफ्ट एंड राइट ध्यान में नहीं रखना है ध्यान में क्या रखना है प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन किधर जाएगा जिधर ज़्यादा प्रेशर बनेगा जिधर ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे उधर और अगर प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेस गैस मॉलिक्यूल्स, लेस मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है तो उधर जाएगा रिएक्शन सो इस केस में अगर प्रेशर इंक्रीज करता हो तो रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर लिशडलेस प्रिंसिपल

राइट सडनली वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इन साइड डोर ओपन कर दिया या कुछ कर दिया एंड सडनली ना द इक्विलीवनी शिफ्ट तो अब ए सी क्या करेगा ए सी उसको गर्म करना करेगा कार को या ठंडा करेगा ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ गया ना अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम जिधर उधर टेम्परेचर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम कब हो रहा है जब ए सी चालू हो के एयर कंडीशन काम करना चालू करेगा तब जाके एयर ये होगा ओके ओबियसली वैसे ही जैसे मान लो ठंड आ गई अचानक ऐसा इमेजिन कर लो ठीक है सडनली क्योंकि यूर यूर लिविंग इन सम सम अलास्का और सम आइसलैंड और समथिंग लाइक दैट ओके वहाँ पे क्या है वहाँ पे हीटर चलाएंगे कार में इज इन बिकॉज कार इनसाइड इज़ वेरी कोल्ड है ना आउटसाइड इज़ वेरी कोल्ड तो इनसाइड इज ऑल्सो वेरी कोल्ड और वहाँ पर क्या चलाएंगे अपन हीटर चलाएंगे वहाँ पर तुमने तो डोर ओपन कर दिया ठीक है इक्वली आ चुका है बेसिकली इस इज रनिंग बट जैसे मान लो तुमने डोर ओपन कर दिया अब हीट बाहर निकल गई मतलब कार की हीट बाहर निकल गई मतलब कार ठंडी हो गई अब क्या करेगा ए हीट करेगा या कूल करेगा ऑब्वियसली हीट करेगा ना इस केस में इज इट सो इट विल ऑलवेज ट्राई टू कंपनसेट फॉर दैट इक्ट विल ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन वेयर दैट इफेक्ट इज नलीफाइड समझ में आए ना इट विल ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन इन विच दैट इफेक्ट इज नलीफाइड उसको न्यूट्रलाइज़ करना है आपने को उस इफेक्ट को उस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा ठीक है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करो बहुत अच्छे से समझो ओके okay? इसकी जो एग्जाम्पल्स है क्योंकि इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बड़े अच्छे आते हैं इसके ऊपर ओके okay? सो so, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखते हैं और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ली इट ले प्रिंसिपल यूजिंग दिस एग्जाम्पल ऑल्सो विल ट्राई टू कैलकुलेट सडन कैलकुलेशन हो सडन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं सो वी हैव थ्री हंड्रेड कैलविन ठीक है वन ए टी एम एन टू ओ फोर गैस है डिसोसिएट्स टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो यहाँ पे रिएक्शन अपने को लिखना पड़ेगा एन टू ओ फोर ये गैस है ये डिसोसिएट होता है एंड वॉट गेट इज एन ओ टू ठीक है टू एन ओ टू भी लेगा ठीक है सो ट्वेंटी परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है ये बेसिकली ट्वेंटी परसेंट है डिसोसिएशन ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्वेंटी परसेंट है एंड वी हैव वन ए टी एम का प्रेशर है ठीक है टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहेगा वी डॉन्ट वरी अबाउट दैट ठीक है सो so, प्रेशर जो है इनिशियल ट इज इक्वल टू वन ए एम ठीक है वॉट विल बी द परसेंटेज डिसोसिएशन ओके परसेंटेज डिसोसिएशन क्या रहेगा वैन द एट थ्री हंड्रेड के एलविन एंड प्रेशर इज जीरो पॉइंट वन ए एम सो पी फाइनल जो है वो ओपन कर रहे हैं जीरो पॉइंट वन ए टी एम ठीक है तो यहाँ पे देखो प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा बताओ इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछ सकता हूँ कि डिसोसिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इस केस में जब मैं प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा हूँ सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन टू ओ फोर विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज इन डिसोसिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताओ सो so, यहाँ पे वी नो कि अकॉर्डिंग टू ली शेड प्रिंसिपल व्हेन यू डिक्रीज़ द प्रेशर प्रेशर जब डिक्रीज कर रहे हैं अपन तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना प्रेशर किधर इंक्रीज़ हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इज इन डेट जिधर ज़्यादा गैस मोल्स है उधर इंक्रीज हो रहा है या सो so, अब डिसो ये डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल दो में ब्रेक हो रहा है ना तो इसको तो अपन डिसोसिएशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे समझ में आया लेफ्ट और राइट बताना आसान है फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना आसान है लेकिन यही क्वेश्चन मैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन में पूछ लिया तो क्या हो गया कॉम्प्लिकेटेड हो गया डिफिकल्ट हो गया देखो इसी तरह से क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है इसके लिए अपना सोच जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए इट शुड बी परफेक्ट समझ में आया क्या वी नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर थिंकिंग प्रोसेस ठीक है थिंकिंग प्रोसेस बोलेगा थॉट प्रोसेस बोलना चाहिए मैंने सो वी नीड टू स्ट्रीम लाइन अवर थाट प्रोसेस रिमेंबर दैट ओके सो ये डिसोसिएशन है सो इसेंशली प्रेशर डिक्रीज करने से डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ओके एन टू ओ फोर का डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है आई कैन राइट दिस रिएक्शन इन एनी वे एन ओ टू ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको ओके एन टू ओ फोर अप्लीकेबल है ना अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो डिसोसिएशन इंक्रीज होगा सॉरी डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा ओके okay? अब क्वेश्चन ये पूछा है अपने को व्हाट विल बी द परसेंटेज डिसोसिएशन पहले था ट्वेंटी परसेंट अपना जो आंसर आना चाहिए इस केस में ट्वेंटी से ज्यादा आना चाहिए देखो तुम्हारे को चार चॉइसेस दिए रहते ऑल ये टू इज टू चूज द वन दैट इज अबाउ अबाउट ट्वेंटी परसेंट ठीक है अब तुमको थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करते हो तो यू गेट एन आइडिया कि कितना इंक्रीज होगा क्या होगा यू कैन सी दैट प्रेशर जो है अपन वन टेंथ कर रहे हैं सो इट शुड इंक्रीज ठीक है इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन गेस बट इट्स नॉट गोइंग टू समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज बहुत कम इंक्रीज नहीं होगा थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा प्रेशर अपन वन टेंथ कर रहे हैं सो एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसोसिएशन थोड़ा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा ठीक है तो तुम्हारे चार चॉइसेस में से तुम हो सकता है दो चॉइसेस वैसे ही इलिमिनेट कर दो Uh, जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी मच मोर लॉजिकल इन दिस पर्टिकुलर केस ओके है राइट सो ये अपना इक्वेशन है ठीक है इसका इनिशियल मोल अपन अज्यूम कर लेते हैं वन मोल क्योंकि परसेंट में दिया है इजेंट इट परसेंट में डिसोसिएशन दिया है वी कैन अज्यूम वट एवर वी वॉन्ट राइट वी कैन टेक टेन मोल और वी कैन टेक ट्वेंटी मोल और वट एवर वी वॉन्ट वी जस्ट अज्यूम वन मोल इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर एस ओके सो इनिशियल इसका वन मोल रहेगा और एन टू एन ओ टू का रहेगा जीरो मोल ओके अब फाइनल मोल ले रहे हैं अपन इसका ठीक है ट्वेंटी परसेंट डिसोसिएशन अपने को बताया है ओके क्लियर दिस अप सो अपने को क्या बताया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट डिसोसिएशन है तो इसका मतलब वन मोल लिया तो पॉइंट टू डिसोसिएट हो जाएगा इट और यू कैन टेक हंड्रेड या हंड्रेड से भी कन्वीनियंट हो जाता है दिस इज हंड्रेड दिस इज जीरो ये हो जाएगा एटी एंड ये हो जाएगा ट्वेंटी ऐसा ऐसा भी ले सकते हो तुम तो, ठीक है ट्वेंटी टाइम्स टू हो जाएगा ये पता ये हो जाएगा फोर्टी ओके सो एनी वे विल जस्ट टेक वन फॉर नया ओके एंड ये हो जाएगा इसका बचा कितना रहेगा पॉइंट टू डिसोसिएट हुआ है वन में से तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट ठीक है और ये हो जाएगा टू टाइम्स ज़ीरो पॉइंट टू ठीक है टू टाइम्स जीरो पॉइंट टू तो ये हो जाएगा क्योंकि ट्वेंटी परसेंट है दिस इज ट्वेंटी परसेंट और uh, दो बन रहे हैं बेसिकली एक में से दो बन रहे हैं सो इट्स गोइंग टू बी पॉइंट फोर ओके एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ओके क्योंकि ए टी एम दिया है ना अपने को पार्शियल प्रेशर तो इनिशियल प्रेशर कितना था वन ए टी एम राइट तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा सबके टोटल प्रेशर तो अपने को दिया है वन ए टी एम ठीक है अब इसके मोल से पॉइंट एट ठीक है टोटल uh, मोल्स रहेंगे वन पॉइंट टू बर पॉइंट एट प्लस पॉइंट फोर ओके सो जीरो पॉइंट एट मोल्स ऑफ एन टू ओ फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर मोल्स ऑफ एन ओ टू इज टोटल मोल्स क्या हो गए वन पॉइंट टू मोल्स टोटल ठीक है तो जब अपन पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं जैसे uh, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये निकालना है मेरे को इसका सो so, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर डिवाइडेड बाय पी टू सॉरी एन लेना पड़ेगा ना पार्शियल प्रेशर सो मोल फ्रैक्शन लेना है अपने को ओके okay, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू ओ फोर टाइम्स पी टोटल ये अपना इक्वेशन है इट ये मेरे को निकालना है पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर तो उसके लिए मेरे को मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा और मोल फ्रैक्शन क्या लेते हैं अपन एक्स एन टू ओ फोर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एन टू ओ फोर डिवाइडेड बाय एन टोटल ओके तो यही अपन कर रहे हैं यहाँ पे ओके सो यहाँ पे देखो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट एट विच इज़ मोल्स ऑफ एन टू ओ फोर डिड बाईन टू टाइम्स टोटल प्रेशर ओके एक्स एन टू सो मैंने निकाल दिया गया एन टू ओ फोर टाइम्स पी टोटल ओके पी टोटल वन ए टी एम दिया है एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन तो अपने को मिल रहा है दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर ओके उसी तरह से मैं पारशियल प्रेशर ऑफ एन ओ टू भी निकालूंगा यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर इज द मोल्स ऑफ एन ओ टू डिडेड बाई टोटल प्रेशर टाइम्स पी टोटल Uh, what we get is uh, partial pressure of NO2. ठीक है दोनों के पार्शियल प्रेशर मिल गए मेरे को देखो सम करूंगा दोनों का तो टोटल प्रेशर मिलेगा मेरे को which इज़ 1 atm. ठीक है तो वही अपन यहाँ पे किए तो दिस इज द इक्विब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑफ uh, this सिस्टम ओके ऑफ दिस एंड दिस इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकाल दिया ओके okay? अब मैंने क्या कर दिया है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दिया पॉइंट वन ए कर दिया तो व्हाट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज डिसोसिएशन ये मेरे को निकालना है केपी जो निकाल रहे हैं अपन इसका दैट इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ओवर इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेड इजेंटेड पार्शियल प्रेशर तो अपन ने ऑलरेडी निकाली ये एनओ का प्रेशर हो गया इज एटेड और ये इसका प्रेशर देखो एनओ का अपन इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं एन टू ओ फोर गिवज यू टू एन ओ टू ठीक है इसका पार्शियल प्रेशर कितना था जीरो पॉइंट सिक्स सेवन और इसका पार्शियल प्रेशर जीरो पॉइंट थ्री थ्री ओके और जब अपन के पी का इक्वेशन लिखते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ एन ओ टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर ठीक है तो भले ही अपन यहाँ पे इनिशियली जब हमने कैलकुलेट किए तो टू अपन ने कंसिडर किया था राइट टू से मल्टीप्लाई किया था ये वाला टू से मल्टीप्लाई किया था उसके बावजूद Whenever we do this, we have to take square. Okay, that is the proper way of doing it. So Kp निकालेंगे अपन. isme अपन 0.3 थी, 0.67 ये रख दिए. And what we get is Kp ka value आ gaya 0.1638 That is the equilibrium constant for this equation. Okay? अभी हम percentage dissociation निकालना है. उसके लिए हम एक term define करते हैं alpha. Alpha अपन बोलते degree of dissociation. इसको अपन डी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में ओके अल्फा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि इफ आई हैव वन मोल ऑफ इट उसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है ठीक है इसी को अगर मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो गेट परसेंटेज डिसोसिएशन समझ में है डी अल्फ़ा टाइम्स हंड्रेड वी गेट इज परसेंट डिसोसिएशन तो जो भी अल्फा का वैल्यू आएगा उसको अपने को मल्टीप्लाई कर सो वी नीड टू फाइंड दैट अल्फा और उसको फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से विगेट परसेंट डिसोसिएशन सो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है सो इनिशियल मोल अपने ये ले लिए वन मोल ओके ये ले लिए अब फाइनल मोल ओके कब ए प्रेशर कितना है पॉइंट वन ठीक है तो फाइनल मोल रहेगा वन माइनस अल्फा ठीक है अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है ओके दैट इज अल्फ़ा अंत यहाँ पे अपना क्या रहेगा टू अल्फ़ा ठीक है मतलब जैसे इनिशियली इट वाज ज़ीरो पॉइंट टू रिमेम्बर दैट सो वन माइनस जीरो पॉइंट टू किया था तो अपना आंसर जीरो पॉइंट एट आया था ओके okay? और यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट टू लेने के तो ये रहेगा वन माइनस जीरो पॉइंट टू टाइम्स टून टाइम्स टू तो ये आता है वन नॉट वन माना सॉरी सो ये टू अल्फ़ा ना सो जीरो पॉइंट टू टू टाइम्स जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू अपना आंसर रहता है जीरो पॉइंट फोर ओके तो ये अपने इनिशियल जब पॉइंट जब वन एटीएम का प्रेशर था उस समय के वैल्यूज थे ये ओके सो वी डोंट नो अल्फा क्या है अभी ओके उस समय तो अपने को ट्वेंटी दिया था ट्वेंटी परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन ने पॉइंट टू इज़ बेसिकली है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस केस में ठीक है ना जस्ट टू पॉइंट आउट जब ट्वेंटी परसेंट अपन बोल रहे हैं तो 0.2, 0.2 टू जीरो दैट इज योर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 0.2 है इस केस में और यहां पे अपने को ये निकालना है अल्फा सो so उसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा ओके दैट इज द फाइनल इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ N2O4 व्हेन फोर द प्रेशर इज जीरो एंड दिस इज दैट ठीक है अब अपन पार्शियल प्रेशर निकालते हैं ट्वीलिवरी यूजिंग दिस मोल्स ओके एंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ठीक है अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर जैसे निकालना है किसी का भी निकालना है ओके okay? सब मैं ऐसा लिखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम्स टोटल प्रेशर ठीक है तो मोल फ्रैक्शन निकालना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स तो जैसे इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है सो दिस इज मोल्स ऑफ सो दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ एन टू फोर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टोटल मोल्स कितने रहेंगे वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा ओके तो आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करूंगा मैं वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा आंसर हो जाएगा वन माइनस सॉरी वन प्लस अल्फा इज इट इट वन प्लस अल्फा सो दैट इज बेसिकली ये इसको सॉल्व करता हूँ मैं वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा ये हो जाता है वन प्लस अल्फा दैट इज द टोटल मोल्स ओके सो इन अदर वर्ड दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ एन टू ओ फोर एट दैट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज टोटल मोल्स ओके ये हो गया अपना एक्स ए टाइम्स पार्शियल प्रेशर सॉरी टाइम्स टोटल प्रेशर ओके पी टोटल इज पॉइंट वन ओके तो जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ एंड टू फोर ओके उसी तरह से मैं ये भी सॉल्व करता हूँ वी गेट टू अल्फ़ा दैट 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 एंड देन टू अल्फा विच इज पार्शियल मोल्स ऑफ एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा दैट इज टोटल मोल्स ओके टाइम्स पॉइंट वन सो दैट इज दैट ओके सो मेरे को अभी इक्वेशन के तौर इक्वेशन के तौर पे वी गॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स इज इट एंड देन वी कैन सेट अप द इक्वेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एन ओ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एन टू फोर ये मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर इसका ये यहाँ पे रखूंगा ये यहाँ पे रखूंगा और के पी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी मालूम है द ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ नॉट नोन इज अल्फा तो ये अल्फ़ा मैं निकाल सकता हूँ ठीक है ये अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ एन ओ टू उसका स्क्वेयर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर एंड के पी की वैल्यू ऑलरेडी नो वी सॉल्व द इक्वेशन फॉर अल्फा ठीक है यहाँ पर अभी तुमको कॉडरेडिक आएगा इक्वेशन एट फाइन यू जस्ट हैॉल्व इट एंड अल्फा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव फोर विच इज इक्वल टू फिफ्टी फोर परसेंट सिग्निफिकेंट है डिसोसिएशन इज एंटेड इनिशियली था इट वॉज ट्वेंटी परसेंट वेन प्रेशर वॉज वन एटी ऑफ ओके और इसको मैंने चेंज किया टू फिफ्टी फोर परसेंट वैन द प्रेशर वॉज ज़ीरो पॉइंट वन ए टी एम यही अपन ने प्रडिक्ट किया था और यही अपना आंसर आया देखो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है प्रेशर डिसोसिएशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है ओके okay? नाउ यहाँ पे डिसोसिएशन जो है मतलब अल्फा की वैल्यू जो है ट्वेंटी परसेंट दी है इसलिए अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है कभी कभी ये जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है उस केस में अपन थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में सॉल्व uh, करते हैं शो यू हाउ व्हाट दैट शॉर्टकट इज बेसिकली लेटर ऑन ठीक है शॉर्टकट बोले तो वी सिंप्लीफाइ वी अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल ठीक है उस केस में वी कैन डू द अप्रोसीमेशन एंड यू डोंट एक्चुअली गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अल्फा की वैल्यू बहुत कम दी होती ठीक है ना वी कुड बेसिकली से दैट दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा आर निग्लिजिबल एंड देन उस केस में ये डिनोमिनेटर ये हो जाता है सो गेट जीरो पॉइंट वन टाइम्स फोर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स थ्री अब तुम तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो विदाउट एक्चुअली गेटिंग इन टू क्वाट्रेटिक इक्वेशन ओके ये समझ में आया कि किस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया है और एट लिशली प्रिंसिपल देखो अप्लीकेबल है इन जनरल इन दिस पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड यहाँ पे देखो किस तरह के न्यूमेरिकल्स लीश एट लिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर पूछ सकते हैं ओके okay? उसका यह एग्जाम्पल था लीश एटल प्रिंसिपल अपना खत्म नहीं हुआ है इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके okay? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इफ नॉट इसीव एन आउ रिसीव इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू वेरी मच बाय